आज हम बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। ये बनाने में बहुत सरल है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है, तो चलिए इसे बनाते हैं। नमस्कार, अर्चना होम किचन में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ये पैन को मैंने गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। ये 1 लीटर दूध मैंने फुल क्रीम लिया है। इसको हम चलाएंगे और उबालेंगे। इसको हम हल्के आंच पर ही उबालेंगे और दूध हमारा उबल गया है। हम 4 चम्मच इसमें से दूध निकाल रहे हैं। ये उसको हम ठंडा होने देंगे और इसको हम चलाते रहेंगे। इसे हमें गाढ़ा करना है। ये देखिए हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब ये ठंडा हो गया है तो हम मार्केट जैसी आइसक्रीम बना रहे हैं, तो इसमें पहले हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रहे हैं और 2 चम्मच हम अरारूट डाल रहे हैं। इन दोनों को हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा मिल गया है और इसको हम चलाते हुए इस दूध में मिलाएंगे जो हमने गाढ़ा किया है। ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम इसमें और मिलाते जाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे इसे। अब इसे हम पकने देंगे थोड़ी देर। इसमें ये मैं 150 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। आइसक्रीम में थोड़ा ज़्यादा ही मीठा अच्छा लगता है। ये चीनी डालने से इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ेगी ये चीनी। इसको हम 2-3 मिनट और पकाएंगे। ये 10-12 ड्रॉप में बटर स्कॉच के एसेंस के डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है फ्लेवर तो ज़्यादा डाल लें। और ये येलो कलर डाल रही हूँ मैं, अगर हो तो डाल लें, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। और इसको हम मिला देंगे अच्छी तरह से। ये हमारा मिल गया है और ये गाढ़ी भी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं इसे। ये ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो गई है ये। अब इसे हम एक डिब्बे में डाल देते हैं। ये मैंने बॉक्स में डाल दिया और इसे हम ढककर रख देंगे। ये मैंने दूध की थैली इस्तेमाल करी है। आप इस पर दूध की थैली डाल लें या फाइल पेपर काट कर रख दें। इसको ढकने से आइस क्रिस्टल नहीं बनते हैं। इसको ढककर हम 2-3 घंटे के लिए हम फ्रीजर में रख देते हैं। अब हम स्वीट क्रंच बनाएंगे। बटर स्कॉच आइसक्रीम जब हम खाते हैं तो बीच में क्रंची क्रंची आता है, वही हम स्वीट क्रंच बना रहे हैं। पहले मैंने इसमें 1 बाउल ये चीनी डाली है और इसमें पानी नहीं डालेंगे हम, और इसको चलाते रहेंगे और ये पिघल जाएगी अपने आप। और गैस को हमने हल्का कर लिया है। चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। चीनी हमारी पूरी तरह से पिघल गई है, अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। इसको चलाना नहीं छोड़ा, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगी। अब इसमें हमें 1/2 बाउल काजू डाले हैं हमने। आप बादाम की भी बना सकते हैं, अखरोट की भी बना सकती हैं, आपके पास जो भी हो। अब इसको हम मिला देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच मक्खन डालेंगे ये, और इसको मिला देंगे हम। अगर मक्खन नहीं हो तो 2 चम्मच घी डाल सकते हैं। मक्खन हमारा पिघल गया है। अब हम इसे गैस को बंद कर देते हैं और ये प्लेट को हमने ग्रीस कर लिया है और इस पे हम ये लौट कर जमने के लिए रख देंगे।
इसको फैला देते हैं हम। इस काम को हमें जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो ये कढ़ाई में ही जम जाएगी। इसको हम 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और ये हमारी जम गई है 15 मिनट बाद। अब इसे हम तो निकाल देते हैं प्लेट से। ये देखिए हमारी प्लेट से निकल गई है ये। इसे हम पॉलीथीन में भर लेते हैं। आपके पास जिप वाली पॉलीथीन हो बड़ी तो उसमें रख लें। अब इसे हम बेलन की सहायता से तोड़ लेते हैं। इसे हम बाउल में लौट लेते हैं। आप ये देखिए स्वीट क्रंच बनकर तैयार है हमारी। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम आइसक्रीम में यूज कर लेंगे, बाकी बाद एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख लेंगे, आ गई हमारी काम में आ जाएगी। ये 4 घंटे हो गए हैं मैंने ये फ्रीजर से आइसक्रीम निकाल ली है। ये देखिए अब इसे हम एक जार में डाल लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। ये देखिए हमने चला लिया और इसमें एयर बबल्स बन गए हैं। इसको हम वापस उसी डिब्बे में पलट लेंगे। इसमें हम 2-3 चम्मच ये स्वीट क्रंच डाल देंगे। अब इसे मिला देंगे और थोड़ी हम ऊपर से डाल देंगे ये। और फिर से हम ये थैली लगा के ढककर और डिब्बे को बंद करके हम ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख देते हैं इसे। अब दूसरे दिन मैंने ये आइसक्रीम निकाल ली है फ्रीजर में से। देखिए हमारी बाजार जैसी बिल्कुल आइसक्रीम बनकर तैयार है। इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप कितनी बढ़िया हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है और कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार हुई है। और इसको आप ज़रूर बनाइए एक बार। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए।